नमस्कार, आप देख रहे वज्रपात न्यूज। इनारवा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण विभाग सांप्रदायिक मानसिकता से कर रहा काम, अब मनपसंद जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, बोले सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। वही इंसाफ मंच ने कहा, इनारवा ईदगाह के सामने वाली खाली जमीन पर नया अलाइनमेंट बनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराए जिला प्रशासन। 10 नवंबर को जिले भर में निकाला जाएगा मशाल जुलूस। 10-11 नवंबर को इस जुल्म के खिलाफ जिले भर में होगा नुक्कड़ सभा। 12 नवंबर को इनारवा चलो का विधायक ने किया आह्वान, अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार के नाम से दिया 4 सूत्री मांग पत्र। बेतिया से मोहन सिंह की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के मायाडा प्रखंड में इनारवा बाजार में इंडो नेपाल बॉर्डर रोड के निर्माण के लिए पुरानी सड़क की जमीन को छोड़कर सांप्रदायिक भावना से ईदगाह की जमीन में सड़क बनाने के विरुद्ध भाकपा माले और इंसाफ मंच ने सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में 9 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उपयुक्त मामला पश्चिम चंपारण के नारो बाजार से है। गुजर रही इंडो नेपाल बॉर्डर रोड में निर्माण कार्य में सांप्रदायिक भावना से ईदगाह की जमीन में सड़क बनाने से संबंधित है। सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए चिंता व्यक्त किया कि बिहार में आज धर्मनिरपेक्ष सरकार है, लेकिन इनारवा में सड़क की पर्याप्त जमीन रहने के बावजूद एक तरफ सड़क की पुरानी जमीन को छोड़कर ईदगाह की जमीन में सड़क बनाया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। उसी बाजार में कुछ जगहों पर सड़क की जमीन 70 फीट रखी गई है, लेकिन ईदगाह के सामने 100 फीट जमीन रखी गई है। उसमें भी सटी हुई इस पुरानी सड़क की जमीन को छोड़कर वहां आरेखन बनाया गया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सांप्रदायिक मानसिकता से प्रेरित होकर वहां कमजोर अल्पसंख्यक समाज की जन बनाओं के विरुद्ध युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ अमन पसंद जनता चुप नहीं बैठेगी, जिला प्रशासन को समझना चाहिए। विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में किसान महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव, पूर्व मुखिया मोहम्मद निसार ने मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया, जो इस प्रकार है। अरे जानते हैं भाकपा माले और इंसाफ मंच ने क्या मांग रखा। पहला, इनारवा में इंडो नेपाल बॉर्डर रोड के निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए और सटी पुरानी सड़क को भी आरेखन में शामिल किया जाए। बाजार में अन्य जगहों की तरह ईदगाह के सामने भी 70 फीट जमीन लिया जाए। दूसरा, ईदगाह के सामने सड़क की चौड़ाई इनारों बाजार में अन्य जगहों की तरह 70 फीट किया जाए। तीसरा, सांप्रदायिक भावना से ईदगाह की जमीन में सड़क निर्माण कार्य कराने वाले सड़क निर्माण विभाग के पदाधिकारियों पर ठोस कार्रवाई की जाए। चौथा, देश में सभी नागरिकों को समान भाव से देखे जाने के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा प्रदान की जाए। सभा की अध्यक्ष किसान महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव ने किया। सभा को इंकलाबी नौजवान सभा जिला अध्यक्ष फरहान राजा, खेत मजदूर सभा जिला अध्यक्ष संजय राम, इंसाफ मंच नेता मोहम्मद निसार, किसान महासभा नेता सुरेश दुजे, भाकपा माले नेता सुरेंद्र चौधरी, मोहम्मद राजा, मोहम्मद दरोगा आदि नेताओं ने संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज, बेतिया। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि पुरानी सड़क को मिला के बना लीजिए, पुरानी सड़क को मत छोड़िए। वहाँ तो सैकड़ों सालों से सड़क चलती आई है, इससे तो आपको सड़क भी बन जाएगी और इसके साथ साथ ईदगाह भी बच जाएगा। लेकिन यहाँ पदाधिकारी हैं जिस पाले हुए हैं कि हम जो है ईदगाह को तोड़ करके ही सड़क बनाएंगे, हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या इस जुल्म को बर्दाश्त किया जाएगा? नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। क्या ये अल्पसंख्यकों का मामला है? नहीं, ये तमाम लोगों का मामला है। कभी वो दलितों पर हमला करते हैं, कभी पिछड़ों पर हमला करते हैं, कभी आदिवासियों पर हमला करते हैं, कभी अल्पसंख्यकों पर हमला करते हैं, कभी वो पत्रकारों पर हमला करते हैं, कभी वकील पर हमला करते हैं, वो तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता पर हमला करते हैं। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि इसके लिए वो नफरत की राजनीति करते हैं, ये तमाम चीजों को ढक देना चाहते हैं नफरत के द्वारा। ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी और जनता का जो हक अधिकार का लड़ाई है, जनता के मान सम्मान की लड़ाई है, जनता का जो संवैधानिक अधिकार का मामला है, उसको लेकर के यहाँ की जनता रहेगी। हम आपसे ये कहना चाहेंगे इसके लिए